बहुत समय पहले की बात है, चिंटू नाम का एक खरगोश अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। चिंटू के मम्मी पापा बहुत ही गरीब थे, वो जैसे तैसे चिंटू को पढ़ा रहे थे। चिंटू तीसरी क्लास में पढ़ता था, उसको पढ़ना तो बहुत अच्छा लगता था, साथ ही उसको रंग बिरंगी पेंसिल और रबड़ भी बहुत अच्छी लगती थी। वो जब भी किसी के पास नई पेंसिल या रबड़ देखता तो उसका मन वैसी ही चीज लेने का करता और वो अपनी मम्मी पापा से वैसे ही पेंसिल लेने की जिद करता। पापा पापा मुझे एक नई पेंसिल लेकर दो ना। राहुल के पास आज मैंने एक हरे रंग की पेंसिल देखी, मुझे भी वैसी ही पेंसिल चाहिए, दिलवाओ ना पापा। बेटे, राहुल के पापा का अपना काम है, मैं तो एक छोटा सा क्लर्क हूँ। मैं तुझे रोहन की जैसी महंगी महंगी पेंसिल नहीं दिला सकता, तेरे पास जो है तुझे उसी से काम करना होगा। लेकिन पापा मेरा बहुत मन है। बेटे चिंटू समझा करो, पापा की सैलरी ज्यादा नहीं है, वैसे ही तुम्हारे स्कूल की फीस का समय आ गया है, हमें वो भी तो देनी है। चिंटू समझ जाता है और उसके बाद से कभी जिद नहीं करता, लेकिन उसके मन में अब भी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश थी कि उसको एक दिन रंग बिरंगी पेंसिल और रबड़ जरूर मिलेगी। ऐसे ही एक दिन जब वो स्कूल से घर आ रहा था तो रास्ते में उसे कुछ रंग बिरंगी पेंसिल और रबड़ पड़ी दिखाई दी। उन्हें देख चिंटू के चेहरे पर खुशी आ गई। अरे वाह, कितनी सुंदर पेंसिल और रबड़ है, ऐसा कहकर उसने सभी को उठा लिया। इनमें से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पर ये किसकी है? चिंटू ने अपने आसपास देखा, वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने वो पेंसिल और रबड़ अपने बैग में रख ली और उन्हें लेकर अपने घर आ गया और उनसे अपना होमवर्क करने लगा कि तभी चिंटू की मम्मी उसके पास आई और उसने जब चिंटू के हाथ में वो पेंसिल रबड़ देखी तो उससे पूछा, चिंटू ये पेंसिल रबड़ तुम्हें कहाँ से मिले, किसके हैं ये? मैंने पहले तो तुम्हारे पास ये नहीं देखी। पता नहीं मम्मी किसके हैं, मुझे तो स्कूल से आते समय सड़क पर मिले, जब मैंने आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था, इसलिए मैंने अपने साथ ले आया। तभी चिंटू के पापा भी आ जाते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, हमें ऐसी ही किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए, क्या पता किसी से गिर गए हो, तुम कल स्कूल जाना और प्रिंसिपल को ये दे देना, जिसके भी होंगे वो इन्हें आकर ले जाएगा। चिंटू अगले दिन वो पेंसिल और रबड़ ले जाकर प्रिंसिपल को दे देता है। प्रिंसिपल असेंबली में एक अनाउंसमेंट करवाते हैं कि जिस किसी की भी 3 पेंसिल और 3 रबड़ कोई हो वो आकर ले जाए। वो पेंसिल और रबड़ मिंकू नाम के एक बंदर की थी, इसलिए वो उन्हें लेने प्रिंसिपल ऑफिस आता है, पर उसके मन में अब एक लालच जाग जाता है और वो प्रिंसिपल से कहता है, सर वो पेंसिल और रबड़ मेरी है, पर मेरे तो 5 रबड़ और पेंसिल खोई थी, ये तो 3 ही है, बाकी की तो कहाँ है? 5 पेंसिल और रबड़, पर चिंटू ने तो मुझे 3 पेंसिल और 3 रबड़ दी, रुको मैं अभी उससे पूछता हूँ। प्रिंसिपल चिंटू को अपने पास बुलवाते हैं और उससे पूछते हैं, चिंटू बाकी की 2 पेंसिल और रबड़ कहाँ है? कौन सी 2 पेंसिल और रबड़ सर, मुझे तो जो मिला था मैंने आपको वो दे दिया। झूठ मत बोलो चिंटू, तुमने मेरी 2 पेंसिल और 2 रबड़ छुपा ली है ना? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या मिंकू झूठ बोल रहा है? मुझे नहीं पता सर, लेकिन मुझे तो 3 रबड़ और 3 पेंसिल ही मिली थी, और अगर मुझे चुराना या छुपाना होता तो मैं आने आपके पास लेकर क्यों आता, ये 3 रबड़ और पेंसिल भी अपने पास रख लेता ना सर। प्रिंसिपल सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, मिंकू ये तुम्हारी पेंसिल और रबड़ नहीं है, ये किसी और की है, और क्योंकि अभी तक इन्हें लेने कोई नहीं आया, इसलिए मैं चिंटू की ईमानदारी से खुश होकर ये पेंसिल और रबड़ इसको दे रहा हूँ। तुम्हारी 5 पेंसिल रबड़ जब मिलेगी मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रिंसिपल वो पेंसिल रबड़ चिंटू को दे देते हैं, उसको उसकी ईमानदारी का फल मिलता है और वहीं मिंकू को उसके लालच की सजा। पापा इस बॉक्स पर भी ऐसा ही ताला लगा है। बेटा अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके अंदर क्या है। बच्चों इसके अंदर मेरे बचपन का खजाना है। क्या कहा पापा, इसके अंदर आपका खजाना है क्या? सच में? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। एक दिन मोना शेरनी जो कि चिंटू और निकी की मम्मी है, वह काम कर रही थी तो चिंटू वहाँ जाता है। मम्मी मम्मी वो जो ऊपर जो कमरा है उसमें क्या रखा हुआ है? जब देखो वह कमरा बंद ही रहता है, चलो ना उसे खोल कर देखते हैं आखिर क्या है उस कमरे में। नहीं चिंटू, जाकर अपनी पढ़ाई करो, चलो ऐसे काम में तुम्हारा बहुत दिमाग चलता है, मैंने मना किया ना तुम्हें, जिस काम के लिए मना किया जाए वह मत किया करो, लेकिन तुम फिर भी नहीं समझते हो। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। चलो जब भी मैं आपसे उस कमरे के बारे में पूछता हूँ तो आप मुझे ऐसे ही पढ़ाई के नाम पर भगा देते हो, मुझे पता क्यों नहीं देते कि आखिर उसमें क्या रखा हुआ है? चिंटू बंदर अपनी मम्मी से बोल ही रहा था कि तभी वहाँ ननकी लोमड़ी भी आ जाती है। मम्मी इस डब्बे को खोलो ना, इस पर ताला लगा हुआ है, इसे खोलकर दिखाओ मुझे इसके अंदर क्या रखा हुआ है। वह कम था क्या जो दूसरी तू आ गई? मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि ये सब पापा का सामान है, इसे हाथ मत लगाया करो, ये सब पापा के जरूरी हो सकता है, इसलिए अब तुम इन्हें रखो और जाओ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मम्मा प्लीज।
मुझे बताओ ना इसके अंदर क्या रखा हुआ है, इसे खोलकर तो देखो ना, इसके बाद हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। बोला ना बच्चों, नहीं का मतलब नहीं। चलो जाओ, अब मुझे काम करना है और फिर बाजार भी जाना है। तुम खुद अपने पापा से ही पूछ लेना। चलो अब मुझे काम करने दो। थोड़ी देर में मम्मी बाजार के लिए चली जाती है और चिंटू बंदर और नन्ही लोमड़ी मौका पाते ही उस डब्बे को फिर से खोलने में लग जाते हैं, मगर ताला लगा होने की वजह से वह उनसे खुलने वाला नहीं था। वह मायूस होकर अपने पापा रॉकी भालू के पास जाते हैं। पापा, आपने इसके अंदर ऐसा क्या रखा हुआ है जो मम्मी इसे हमें कभी नहीं छूने देती? आप इसे खोलिए ना। अच्छा तो तुम इसे क्यों खुलवाना चाहते हो? पापा इसे खोल दीजिए ना, हमें बस देखना है इसमें क्या रखा है। अच्छा ठीक है, मैं इसे खोल दूंगा, मगर मेरे पास एक और ऐसा ही बॉक्स है, वो भी मैं अभी लेकर आता हूँ, रुको। रॉकी भालू अंदर अपने कमरे में से एक और बॉक्स लेकर आता है जिस पर भी ऐसा ही ताला लगा हुआ था। पापा इस बॉक्स पर भी ऐसा ही ताला लगा है। बेटा अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके अंदर क्या है। बच्चों, इसके अंदर मेरे बचपन का खजाना है जो मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, तुम्हें इन दोनों बॉक्स में से अपना एक एक बॉक्स पहले ही चूज करना पड़ेगा, तो तुम अपने लिए एक एक बॉक्स चूज कर लो। क्या कहा पापा, इसके अंदर आपका खजाना है क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तो ये वाला बॉक्स लूंगी। तो ठीक है पापा जी, ये वाला बॉक्स मैं लूंगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें से जो भी निकलेगा वो तुम्हें रखना होगा। चलो बच्चों हटो, मुझे ताला खोलने दो। रॉकी सबसे पहले चिंटू वाला बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारी किताबें होती हैं, जिसे देखकर चिंटू बहुत उदास हो जाता है। फिर रॉकी नन्ही वाला बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर उसे बहुत सारे खिलौने मिलते हैं, जिसे देख चिंटू और उदास हो जाता है। तब नन्ही अपने भाई को देखकर उससे कहती है, भाई क्या हुआ, आप उदास क्यों हो रहे हो? आप तो मेरे भाई हो, और जो मेरा है वो आपका भी तो है ना, और जो आपका है वो मेरा है, तो ये खिलौने भी तो आपके हुए ना। चिंटू ये सुनकर बहुत खुश होता है। भैया आप साथ में इन किताबों को हम पढ़ेंगे और इन खिलौने से भी खेलेंगे। हाँ नन्ही, हम पापा के खजाने से बहुत मस्ती करेंगे। तुम तो सच में बहुत समझदार हो मेरे बच्चों। मैं यही तो देखना चाहता था कि तुम दोनों अपने अपने खजाने के साथ क्या करोगे, मगर तुमने उन्हें साथ में खेलने के बारे में सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तुम मेरे खजाने का फायदा उठाओ और जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो और मस्ती करो। दोनों खिलौने लेकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर में निधि जन्मदिन का केक काटती है, सभी वह केक खाते हैं, चिंटू खरगोश भी वह केक खाता है। पार्टी खत्म होने के बाद निधि बंदरिया सभी को चॉकलेट देती है। निधि बंदरिया का जन्मदिन आने वाला है और निधि बंदरिया के पापा रॉकी भालू काम से आ गए हैं। निधि की माँ शारदा लोमड़ी रसोई में खाना बना रही है। आज निधि बहुत ज्यादा खुश है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बेटी निधि, कल तुम्हारा जन्मदिन है, तो बताओ बेटा तुम क्या खाना चाहती हो? तुम्हारे जन्मदिन पर मैं सारा तुम्हारा मनपसंद का खाना बनाना चाहती हूँ। मम्मी आपका जो भी मन हो आप अपनी मर्जी से बना लो, मैं तो कुछ भी खा लूंगी। मम्मी आपने मेरे जन्मदिन के लिए इतनी बड़ी पार्टी प्लान की, मेरे लिए यही काफी है। मम्मी बस आप मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। देखा ना शारदा, हमारी बच्ची अब बड़ी हो गई है, हमारी कितनी फिक्र करती है। अच्छा निधि बेटा बताओ तुम्हें अपने इस जन्मदिन पर क्या गिफ्ट चाहिए, हम तुम्हें वही ला कर देंगे। पापा मम्मी आप मुझे खुशी खुशी जो भी देंगे मुझे वो बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे गिफ्ट के लिए इतना परेशान मत होइए, मैं तो बस चाहती हूँ कि आप मेरे जन्मदिन पर आकर बहुत मस्ती करें। और हाँ पापा, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में जो मोना आंटी काम करती हैं, कल वह भी मेरे जन्मदिन पर शामिल हो और वह भी मेरे जन्मदिन पर बहुत मजे करे। ठीक है निधि, जैसे तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं अभी तुम्हारी मम्मी से कहता हूँ, वह जाकर मोना से कल जन्मदिन के पार्टी में आने के लिए कह देगी। सुनो शारदा, तुम मोनी लोमड़ी से कह देना वह अपनी बेटी के साथ कल निधि की जन्मदिन पार्टी में आ जाए। ठीक है जी, मैं उसे कह दूंगी। मोना लोमड़ी के आते ही शारदा उसे जन्मदिन के लिए इनवाइट कर देती है। मोना लोमड़ी खुशी खुशी अपने घर जाकर अपने बेटे चिंटू खरगोश से कहती है, अरे चिंटू बेटा कल निधि का जन्मदिन है और कल तुम्हें मेरे साथ जाना है, उन्होंने अपनी पार्टी में हमें बुलाया है। अगले दिन चिंटू निधि की पार्टी में जाता है। थोड़ी देर में निधि जन्मदिन का केक काटती है, सभी वह केक खाते हैं, चिंटू खरगोश भी वह केक खाता है। यह केक तो बहुत टेस्टी है, पूरा चॉकलेट से बना है, ऐसा केक तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। पार्टी खत्म होने के बाद
निधि बंदरिया सभी को चॉकलेट देती है। मेरा तो पेट केक से ही भर गया है, अब ये चॉकलेट मैं कल खाऊंगा, इसे यहीं रख देता हूँ। ऐसा कहकर वह उसे कहीं पर रख देता है। अगले दिन स्कूल से लौटकर उसे याद आता है कि वह चॉकलेट उसने अभी तक खाई नहीं, तो वह उसे उठाकर खाने लगता है। वह बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अरे वाह, ये चॉकलेट तो केक से भी ज्यादा अच्छी है, क्यों ना इसे मैं धीरे धीरे करके खाऊं। एक दिन में खा लूंगा तो कल नहीं खा पाऊंगा। हाँ, मैं आधी कल खाऊंगा और आधी उसके अगले दिन। अगले दिन वह स्कूल से लौटते हुए देखता है कि एक आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए थे, तो वह भी मन ही मन सोचने लगता है, क्यों ना मैं भी इस आम की पेड़ की तरह अपनी एक चॉकलेट का पेड़ लगाऊं। मैं अभी बाकी बची हुई चॉकलेट अपने घर के आंगन में बो देता हूँ और उसे पानी दे दूंगा, कुछ ही दिन में पेड़ आ जाएगा और भी बहुत सारी चॉकलेट खाऊंगा और रोज खाऊंगा। वह तुरंत अपने घर जाता है और बची हुई चॉकलेट उठाकर जमीन में गड्ढा खोदकर उसे बो देता है और उस पर मिट्टी डालकर उस पर पानी भी डाल देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वहाँ उसकी माँ मोना लोमड़ी आ जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ चिंटू, तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? हाँ मम्मी, मैंने ना यहाँ पर अपनी चॉकलेट डाली है, कुछ ही दिन में ना यहाँ एक बड़ा सा पेड़ उग जाएगा, फिर मैं रोज चॉकलेट खाऊंगा और मम्मी मैं तुमको भी चॉकलेट खिलाऊंगा। अरे मेरे मासूम से बच्चे, ऐसे चॉकलेट का पेड़ थोड़ी उगता है, तुमने लालच में आकर अपनी चॉकलेट भी खराब कर ली। चिंटू को अपनी गलती का एहसास होता है कि वह चॉकलेट के लालच में आकर गलती कर दिया है। बादल नगर के जंगल में पीलू अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। बंटी मैकेनिक था और पीलू खिचड़ी का ठेला चलाती थी। वो बहुत गरीब थी और बर्तन में ही खिचड़ी पकाती थी, जिससे उसे खिचड़ी बनाने में बहुत समय लगता था। वो खिचड़ी को टमाटर की चटनी के साथ बेचा करती थी। उसकी खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट होती थी। गरीब हो या अमीर, सभी उसके यहाँ से खिचड़ी खाते थे। लेकिन जब वो देखते थे कि पीलू ज्यादा टाइम लगा रही है, तो वो लोग वहाँ से चले भी जाते थे। इस वजह से पीलू की आमदनी बहुत कम होती थी। उसी की दुकान के सामने कालू कौवा भी खिचड़ी बेचा करता था। उसकी खिचड़ी बहुत ही बेस्वाद होती थी, लेकिन उसके पास महंगा कुकर होने के कारण वो ज्यादा खिचड़ी बना लेता था, तो ग्राहक मजबूरी में उसकी खिचड़ी खा लेते थे। एक दिन बंटी अमीर चिड़िया बबली मैडम के घर में इम्पोर्टेड फ्रिज रिपेयर कर रहा था, तब उसकी अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण फ्रिज में आग लग जाती। बंटी, तुमने मेरी 2 लाख की इम्पोर्टेड फ्रिज खराब कर दिए, मुझे 2 लाख का हर्जाना तुम्हें देना होगा। मैडम जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वो सब मैं नहीं जानती, तुम्हें मुझे 2 लाख तो देने ही होंगे, अगर नहीं दोगे तो सरपंच कड़क से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। दुखी होकर बंटी अपने घर आता है और पूरी बात पीलू से कहता है। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, मेरी दुकान भी बड़ी मुश्किल से चलती है, घर का खर्च भी हम जैसे तैसे निकाल पाते हैं, अब तो ऊपर से और ये 2 लाख का नुकसान कैसे भरपाई करेंगे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। खड़क से बहुत ही खतरनाक है, अगर उन तक बात पहुंच गई तो हमारी खैर नहीं। मैं पैसे जुगाड़ने की कोशिश करूंगा, टिल्लू से कुछ रुपए उधार लाता हूँ। ऐसे कहकर दोनों पति पत्नी पैसे उधार लेने के लिए टिल्लू के पास चले जाते हैं। टिल्लू, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए थे, बदले में मैं तुम्हारे यहाँ मैकेनिक का काम कर दिया करूंगा। क्या बात कर रहे हो बबलू भाई, क्या मैं तुमसे उधार के बदले में काम लूंगा? लेकिन तुम्हें उधार की जरूरत कैसे आ पहुँची? इन्हें अपने काम में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है टिल्लू भैया, बबली मैडम को 2 लाख रुपए देने होंगे, अगर हमने पैसे वापस नहीं किए तो वो खड़क सेठ को बता देंगी और हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, अब आप ही कुछ कीजिए। हाँ टिल्लू, हमारी थोड़ी मदद कर दो, बदले में मैं तुम्हारे यहाँ काम कर लूँगा। अरे तुम लोग घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। वैसे पीलू भाभी, आपका खिचड़ी का काम कैसा चल रहा है? मेरे पास कुकर नहीं है भैया, कालू के पास कुकर है तो वो बहुत ज्यादा खिचड़ी बना लेता है, मैं अकेले ज्यादा नहीं बना पाती हूँ, तो बहुत कम आमदनी होती है। अरे बंटी भाई, तुम इतने होनहार मैकेनिक हो, तुम पीलू भाभी के लिए कुकर मशीन क्यों नहीं बनाते थे?
जिससे ये ज्यादा क्वालिटी में और तेजी से खिचड़ी बना सकेगी और तुम्हारा बहुत मुनाफा भी होगा। अरे ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। टिंडू भाई तुमने तो हमारी मुसीबत ही हल कर दी। अब मैं लकड़ी का कुकर मशीन बनाऊंगा। आखिर गरीबों के पास भी तो कुकर होना चाहिए। फिर थोड़े ही दिनों के बाद बंटी पीलू के लिए लकड़ी का कुकर मशीन बनाकर तैयार कर देता है और वो लोग मिलजुल कर खिचड़ी बनाने लगते हैं। एक दिन बबली मैडम उनकी दुकान में आती है। अरे वाह बंटी, तुमने तो ये नायाब कुकर मशीन बनाई है। ऐसी लकड़ी की कुकर मशीन तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। जरा मुझे अपनी खिचड़ी तो खिलाओ। खिचड़ी खाकर बबली बहुत खुश होती है। इसका स्वाद भी बहुत टेस्टी है। बबली मैडम जी, आपकी तारीफ का शुक्रिया। ये लीजिए 25,000 रुपए, बाकी हम जल्दी ही आपको लौटा देंगे। ऐसे ही दोनों पति पत्नी की दुकान के सामने बहुत से ग्राहकों की भीड़ बनी रहती है। एक दिन जाबाज इनकी दुकान पर आता है और कहता है, अरे बंटी भाई, ये तो गजब की मशीन बनाई है आपने। मुझे पूरे घर के लिए खिचड़ी देना। हाँ हाँ, बबली मैडम भी तारीफ करके गई है। इसमें जरूर कोई न कोई खास बात होगी। एक काम करो, मेरे लिए भी ऐसा ही एक लकड़ी का कुकर बना दो ना। उनकी दुकान चलती देख कर कालू कौवा बहुत जलने लगता है। वो पीलू और बंटी की दुकान की भीड़ देखकर सोचता है, इनकी दुकान तो जोर जोर से चलने लगी है। मुझे इनकी काट निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग मेरी दुकान बंद करवा देंगे। ये लकड़ी की कुकर मशीन में तोड़ कर रख दूंगा। उसके बाद ये लोग बबली मैडम का उधार भी नहीं चुका पाएंगे। फिर कड़क सेठ इनकी धुलाई कर देगा। इन्हें तो जंगल ही छोड़कर जाना पड़ेगा। उसी रात कालू एक हथौड़ा लेकर पीलू और बंटी के घर जाता है और खिड़की से चुपचाप झांक कर देखता है। बंटी और पीलू सो रहे थे। कालू अंदर आता है और मशीन में अपना हथौड़ा चलाता है, लेकिन प्रेशर के कारण लकड़ी का कुकर ब्लास्ट हो जाता है और कालू जोर से चीख उठता है। उस पर गरम खिचड़ी गिर जाती है। नींद से उठकर पीलू चिल्लाती है, चोर चोर। दोनों पति पत्नी कालू को पीटने लगते हैं। मारो मारो। अरे ये तो कालू है। कालू तू हमारे घर में इस वक्त? ये हथौड़ा इसे इस मशीन को तोड़ने के लिए आया था क्या? अरे मुझे इस गरम खिचड़ी से तो बचाओ, मैं जल रहा हूँ। बंटी और पीलू उस पर एक बाल्टी पानी डालते हैं। हाय, मैं तो जल गया। मैं तुम्हारी कुकर मशीन तोड़ने वाला था, क्योंकि तुम्हारी तरक्की से मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। तुम गरीबों को बढ़ता हुआ देखकर मैं खुश नहीं था। अब तो मैं काम करने लायक भी नहीं रहा। अपनी मेहनत पे आपको भरोसा होता कालू भैया तो आज आपकी ऐसी हालत नहीं होती। तुम्हारी हालात देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम अब किसी की दुकान में काम कर लो, लेकिन अब से धोखाधड़ी नहीं करोगे, नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। कालू बंटी और पीलू का कहना मान लेता है और अपनी गलती से सीखता है। कालू अब से पूरी ईमानदारी से काम करता है। बंटी एक और लकड़ी का कुकर मशीन बना लेता है। उसके बाद से बंटी और पीलू की खिचड़ी बनाने की दुकान से बहुत अच्छी कमाई होने लगती है और वो लोग बबली मैडम का उधार भी चुका देते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। ये दीदी मुझे छोड़ दो, मैं पानी के बाहर मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। अरे ये क्या, एक मछली बात कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? पीलू उस मछली को देखकर थोड़ी सी डर जाती है, लेकिन फिर उस पर चढ़ जाती है। जैसे ही पीलू मछली के ऊपर बैठती है, वो मछली अपने पंख फैलाकर उड़ने लगती है। बद्रीपुर के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। वो रोज नदी में अपने नाम लेकर जाती थी और जाल बिछाकर मछलियाँ पकड़ती थी। फिर उनको मछली बाजार में बेचकर अपने परिवार का खर्चा चलाती थी। पीलू मछलियाँ पकड़ने में बहुत माहिर थी और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करती थी। एक दिन सुंदरी उसे रास्ते में मिलती है और पूछती है, पीलू आज क्या बात है, तुम सुबह सुबह ही मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ी? हाँ सुंदरी बहन, सुबह सुबह नदी में
में कम भीड़ होगी तो मैं शायद ज्यादा मछली पकड़ सकूंगी। घर में माँ की तबीयत खराब है तो पैसों की बहुत जरूरत है। तुम्हारा लगन का जवाब नहीं पीलू, जाओ अच्छे से मछलियाँ पकड़ना। ठीक है बहन। फिर पीलू मछलियाँ पकड़ने के लिए नदी पहुँची और एक बड़ा सा जाल फेंकी। थोड़ी ही देर में जाल में मछलियाँ फंस जाती है और उसमें एक चमचमाती हुई बड़ी सी गोल्डन फिश भी आती है। तभी अचानक से वो मछली बोल पड़ती है, ये दीदी मुझे छोड़ दो, मैं पानी के बाहर मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। अरे ये क्या, एक मछली बात कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो ना। पीलू आश्चर्यचकित रहती है और सोचती है, मैं इस मछली से बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ, इतना कि मेरा पूरा कर्जा भी चुकता हो जाएगा, माँ का इलाज भी हो जाएगा और मैं नया घर भी खरीद सकूंगी। सुनो गोल्डन मछली, मैं तुम्हें अपने साथ गांव लेकर चलूंगी, वहाँ तुम गांव वालों से बात करोगी। नहीं मुझे कहीं मत लेकर जाओ, मुझे नदी में ही रहने दो, यही मेरा घर है, मुझे बख्श दो। पीलू उस मछली की भावुकता देखकर खुद भी भावुक हो जाती है। ठीक है बहन, तुम तो सच में बहुत दुखी हो गई हो, मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं कर सकती, चलो मैं तुम्हें पानी में छोड़ देती हूँ। फिर वो गोल्डन मछली पानी में छलांग लगाते हुए उड़ती हुई चली जाती है और कहती है, थैंक यू पीलू। इसके बाद पीलू बाकी की मछलियों को बाजार में ले आती है। क्या आप जानते हैं हरिया काका, सुंदरी बहन, बबली दीदी कि मैं आज जब मछलियाँ पकड़ रही थी तब मुझे एक गोल्डन मछली मिली। तो वो कहाँ है पीलू? उसको मैंने वापस नदी में छोड़ दी, फिर वो उड़ती हुई चली गई, रो रही थी बिचारी। क्यों मजाक कर रही हो पीलू, ऐसी कोई मछली नहीं होती है। सभी उस पर हंसने लगे। अगले दिन पीलू फिर से मछली पकड़ने के लिए जाने लगी। उसको देखकर सुंदरी और बाकी के पक्षी उसका मजाक उड़ाने लगे। आज पीलू उड़ने वाला ऑक्टोपस लेकर आएगी। हो सकता है इसे उड़ने वाली शार्क भी मिल जाए नदी में। पीलू उनकी बातों का बुरा नहीं मानती है और अपने काम के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही पीलू नदी में जाल फेंकती है तभी अचानक से काले बादल छा जाते हैं और जोर से बारिश होने लगती है। नदी में अचानक से पानी बढ़ जाता है और उसकी नाव पलट जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, अगर मैं डूब गई तो मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा, बचाओ बचाओ। पीलू डूबने ही वाली थी कि उसके पास गोल्डन मछली आ जाती है। पीलू आप चिंता मत करो, मैं आपका बचाऊंगी, जल्द से मेरी पीठ पर चढ़ो। पीलू उस मछली को देखकर थोड़ी सी डर जाती है लेकिन फिर उस पर चढ़ जाती है। जैसे ही पीलू मछली के ऊपर बैठती है वो मछली अपने पंख फैलाकर उड़ने लगती है। अरे गोल्डन मछली बहन, तुम तो वाकई में कमाल की हो, मैं तुम उड़ रहे हैं, मुझे ये विश्वास ही नहीं हो रहा है, तुमने मेरी जान बख्शी थी। पीलू बहन इसलिए मैं तुम्हें आज बचा रही हूँ, तुम बहुत दयालु हो। फिर वो गोल्डन मछली पीलू को किनारे लेकर आ जाती है। उड़ने वाली मछली को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या, पीलू सच बोल रही थी, ये उड़ने वाली मछली ही है। गोल्डन मछली तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं पीलू धन्यवाद की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी जब भी मदद लगेगी मैं आ जाऊंगी। फिर वो मछली वापस से पानी में चली गई और आगे भी पीलू और उसकी दोस्ती कायम रहती है। और पुलिस की बाइक को ही चुरा कर भाग जाता है। ये सब बबलू अपने बर्तन बाइक से देख रहा था। फिर वो तुरंत ही कालू कब्बे का अपने बर्तन बाइक से पीछा करने लगता है और उसे जोर से एक लात लगाता है। कालू की बाइक डगमगा जाती है और कालू जोर से गिर जाता है। बिलासपुर में बबलू नाम का कबूतर रहता था। वो किसी भी चीज से कोई भी सामान बनाने की हुनर रखता था, जैसे प्लास्टिक की बोतल से नाव बनाना, कार्डबोर्ड से सजावटी सामान बनाना वगैरह। ये बात उसकी माँ पीलू को पसंद नहीं थी। बेटा बबलू तू हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है लेकिन काम की एक भी चीज नहीं करता, आखिर कब सुधरेगा तू, तेरी शादी भी तो करवानी है। माँ मैं काम करके जितना पैसा कमाता हूँ
उतने में घर का खर्चा तो चल जाता है ना। तुम मुझे ताना कब बंद करोगी? घर खर्च का जितना पैसा आता है उतना तो तू घर के सामान से फालतू की चीजें बनाने में लगा देता है। घर की पूरी बोटल्स, घर की अलमारी की लकड़ी सब बेकार गई। मैं इतनी मेहनत मजदूरी करके घर चला रही हूँ और एक तू है कि सारा सामान कबाड़ा कर देता है। माँ मुझे कुछ दिन और दो, तुम जरूर एक दिन मुझ पे गर्व करोगी। भगवान करे वो दिन जल्दी आए, नहीं तो तू तो हमारा घोंसला ही बिकवा देगा। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक बार बबलू के घर में बर्तन दिखाई नहीं दे रहे थे तो उसकी माँ उसे आवाज लगा के कहती है, बबलू, ओ बबलू, कहाँ है तू? हाँ माँ, क्यों आवाज दे रही हो? बताओ क्या काम है? बेटा लगता है घर में चोरी हो गई है, एक भी बर्तन दिखाई नहीं दे रही है। चल हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं। नहीं माँ, बर्तन कहीं नहीं गए हैं। आओ अपने घोंसले के पीछे चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर बबलू अपनी माँ को घोंसले के पीछे लेके जाता है और वहाँ बर्तनों से बनी एक मोटरसाइकिल दिखाता है और बबलू कहता है, माँ ये देखो, है ना कमाल की चीज। अरे नालायक, ये क्या कर दिया तूने? अब मैं घर का खाना किसमें बनाऊंगी? ये बर्तन की बैग कौन चलाएगा? तू तो मुझे बर्बाद ही कर देगा। तभी वहाँ सुंदरी आती है। अरे पीलू, ये बबलू को क्यों मार रही हो? इसने ऐसी मोटरसाइकिल बनाई है कि सब इसे देखते ही रहेंगे। नहीं सुंदरी बहन, ये बबलू पता नहीं कब मुझे तंग करना बंद करेगा। जंगल में कालू कौवा मोटरसाइकिल बाइक्स चोरी करता था। घर से या बाजार से वो बाइक चुराने में कामयाब हो ही जाता था। पक्षी उसकी कंप्लेंट लेकर पुलिस बाज के पास पहुँचे। इंस्पेक्टर बाज जी, हमारी बाइक रोज चोरी हो रहे हैं, आप कुछ कीजिए ना। आचार तो मेरे 5 साल में बेटे की बाइक भी चुरा के ले गया, मैं तो लुट गया इंस्पेक्टर भाई जान। लगता है ये काम कालू कौवे का है, एक बार हाथ लग जाए तो मैं उसे बड़ी जेल में डलवा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा इंस्पेक्टर साहब? इतने दिनों में तो वो सारे जंगल की बाइक्स चुरा लेगा और किसी के पास मोटरसाइकिल बाइक्स नहीं बचेंगे। बंटी जी, कालू को जो कोई भी पकड़वाने में पुलिस की मदद करेगा मैं उसे सरकार से 50,000 का इनाम दिलवाऊंगा। इस तरह से सभी वहां से चले जाते हैं। कालू ये सब दूर बैठकर सुन रहा था। ऐसा क्या, मुझ पर इनाम? अब मजा चखाऊंगा इन पुलिस वालों को। मैं इनकी ही बाइक चुरा के भाग जाऊंगा और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद ही पुलिस स्टेशन में कालू कौवा मच्छर मारने की दवाई से धुआं धुआं कर देता है और पुलिस की बाइक को ही चुरा कर भाग जाता है। पुलिस बाज का सर चकरा रहा था, वो कुछ नहीं कर पाया। ये सब बबलू अपने बर्तन बाइक से देख रहा था। फिर वो तुरंत ही कालू कौवे का अपने बर्तन बाइक से पीछा करने लगता है और जल्दी ही बबलू कालू की बाइक के पास पहुंच जाता है और उसे जोर से एक लात लगाता है। कालू की बाइक डगमगा जाती है और कालू जोर से गिर जाता है। बबलू अपने बर्तन बाइक से कालू को पकड़ने में कामयाब होता है और फिर उसे पुलिस स्टेशन लेके आता है। अरे ये क्या, ये कौन सी नायाब बाइक है जिससे तूने मुझे पकड़ा है? ये मेरी स्पेशल बर्तन बाइक है। ऐसी बाइक तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और अब तुम ऐसी बाइक को क्या, कैसी भी बाइक को नहीं देख पाओगे क्योंकि अब तुम जेल में पड़े रहोगे। फिर अगले दिन पूरे जंगल के सामने बबलू को पुलिस के द्वारा पूरे 50,000 का इनाम दिया जाता है। बबलू की माँ बहुत खुश होती है और कहती है, वाह बबलू, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा। पूरे गांव में तेरी बर्तन बाइक अब फेमस हो गई है और तू भी। इस तरह से अब बबलू के अनोखे काम पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गए। उसके पास अब पैसे आने लगे और बबलू अपनी माँ पीलू के साथ हंसी खुशी रहने लगा। पिंटू गहरी नींद में सो रहा है, अब क्या करूं? पिंटू को जगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से आवाज लगाया। और फिर रिंकू बहुत तेजी से खरगोश की स्पीड से दौड़ता है और शेर के पीछे पहुंचकर उसकी पूंछ को अपने लंबे दांतों से काट देता है। शेरा जोर से चीख उठता है। इस जंगल में एक बड़ा सा गेंडा पिंटू रहता था। पिंटू
वैसे तो दिल से अच्छा था, लेकिन उसको अपने ताकतवर होने के बहुत गर्व था। वही दूसरी तरफ एक छोटा सा खरगोश रिंकू रहता था। रिंकू दिखने में छोटा था और अपने आप में मस्त रहता था। एक दिन नदी के किनारे रिंकू घास खा रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गया। बचाओ बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ, उसकी आवाज सुनकर पिंटू वहाँ आता है। अरे रिंकू, तू तो डूब जाएगा, लेकिन मुझे भी तो तैरना नहीं आता है, इसको कैसे बचाऊं? और पिंटू आसपास देखता है और फिर पास ही एक पेड़ की दंगल तोड़कर उसके पास फेंकता है। रिंकू उस लकड़ी की दंगल का सहारा लेकर उसमें बैठ जाता है और किनारे आ जाता है। आपका बहुत धन्यवाद पिंटू भैया, आपने मेरी जान बचा ली, मैं भी किसी दिन आपके काम आऊंगा। तुम्हारी जान बचाना तो मेरा फर्ज था, लेकिन तुम मेरे किसी काम आओगे रिंकू? तुम बहुत छोटे हो और मैं इतना ताकतवर, आगे से तुम्हें कोई मदद लगे तो बता देना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मैं भी कभी पिंटू के काम आऊंगा, मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन मैं किसी काम तो आ ही सकता हूँ। चलो देखते हैं समय क्या दिखाता है। एक दिन शेरा शिकार करने के लिए जंगल में निकलता है। थोड़ी दूर जाने पर उसको पिंटू दिखाई देता है। अरे वाह, ये पिंटू गेंडा है, अभी ये सो रहा है, यही सही मौका है इसकी शिकार करने का। इस पर झपट्टा मार दूंगा, फिर तो एक हफ्ते तक शिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा सोचकर शेर पिंटू के पास जाता है, लेकिन रिंकू ये सब दूर से देख लेता है। ये शेरा तो पिंटू का शिकार कर देगा, पिंटू गहरी नींद में सो रहा है, अब क्या करूं? पिंटू को जगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से आवाज लगाया तो शेर को भी पता चल जाएगा, अब तो एक ही रास्ता है। और फिर रिंकू बहुत तेजी से खरगोश की स्पीड से दौड़ता है और शेर के पीछे पहुंचकर उसकी पूंछ को अपने लंबे दांतों से काट देता है। शेरा जोर से चीख उठता है। रिंकू तुरंत झाड़ियों में भाग जाता है और पिंटू की नींद खुल जाती है। वो शेरा को देख लेता है और हैरान रह जाता है। तू जग गया, अब मैं तेरा शिकार नहीं कर सकता। शेरा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रिंकू बाहर आकर पिंटू से कहता है, पिंटू भैया मैंने शेर की पूंछ काटा था। रिंकू मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरी जान बचाई, मैं गलत था कि मैं ताकतवर हूँ और मुझे कभी किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने नेक दिल दिखाई और असल में बड़प्पन दिखाई हो। इस तरह से पिंटू अब रिंकू का अच्छा दोस्त बन गया और वो कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करता था।